हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ न्यू फाउंडेशन मेकअप लुक। ये मेकअप लुक मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ करके क्रिएट किया है और सभी प्रोडक्ट के डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। ये मेकअप लुक मैंने किस तरह से अचीव किया है ये आप लोग देखना चाहते हैं तो लेट्स गेट स्टार्ट टू द ट्यूटोरियल। सो गाइस, सबसे पहले मैं गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर यूज़ कर रही हूँ। टोनर को पूरी तरह से मुंह पर स्प्रे करके थोड़ा सा हाथों से डैप डैप कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से सुखा लिया है मैंने। इसके बाद मैं मामा अर्थ का विटामिन सी मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर को मैंने बहुत अच्छी तरह से मुँह पर लगा लिया है और इसको लगाने के बाद स्किन पर थोड़ा सा ग्लो भी आता है। आज मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप प्राइमर। ये ऑयल फ्री मैटिफाइंग प्राइमर है। ये बहुत ही सिल्की और लाइट वेट प्राइमर है और ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है और ये मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग रखता है। आईब्रो को मैंने ऑफ कैमरा में ही सेट कर लिया है और आई शेडो बेस बनाने के लिए एक कंसीलर लेके मैं आई लिड पर पूरी अच्छी तरह से अप्लाई कर रही हूँ। आज मैं यूज़ कर रही हूँ निका के ऑटम स्पाइस आई शेडो पैलेट। इसमें से मैंने पहले लिया है येलो शेड और एक फ्लफी ब्रश लेकर पूरी आई लिड पर अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद सेम आई शेडो पैलेट से मैंने एक पार्ट ऑरेंज कलर लिया है और सेम फ्लफी ब्रश से येलो सेट के ऊपर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। सेम आई शेडो पैलेट से मैंने एक कॉपर शिमर शेड लिया है और उसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है। गाइस, ये आई शेडो पैलेट बहुत अफोर्डेबल है और इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है और शेड को मैंने पूरी आई लिड पर लगा लिया है। और उसके बाद मैं आज यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का जेल आईलाइनर और इसे मैं अच्छी तरह से अप्लाई कर रही हूँ। बेस मेकअप के लिए यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर। इसका शेड है 01 वार्म सन और ये थोड़ा सा डार्क है। मेरी स्किन टोन से 2 टोन डार्क है और ये थोड़ा सा येलोइश टोन में है। ये अल्ट्रा लाइट वेट कंसीलर है, सेमी मैट फिनिश है, लॉन्ग लास्टिंग भी है और जहाँ जहाँ पर मेरा डिस्कलरेशन का प्रॉब्लम है वहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर रही हूँ, अंडर माई आई, अराउंड माई माउथ एरिया। और ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ प्ल्यूम का ब्यूटी ब्लेंडर। ये ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छा है, सुपर सॉफ्ट है और लाइट वेट भी है। मैं इसे अच्छी तरह से डैप डैप करके पूरी फेस को ब्लेंड कर रही हूँ। फेस हाईलाइट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर। शेड नंबर है 03 लाइट मोइन और इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ हाईलाइटिंग एरिया अंडर माय आई, ब्रिज ऑफ माय नोज, फॉरहेड, अराउंड माय माउथ। और ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ प्ल्यूम का ब्यूटी ब्लेंडर और इसे मैं बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। बेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी अल्ट्रा फाइन मेट लूज फिनिश पाउडर और इसका सेट नंबर है 02 बनाना। ये सुपर फाइन वेटलेस लूज पाउडर है और ये मेकअप को बहुत अच्छी तरह से सेट करता है एंड स्मूथ मैट फिनिश प्रोवाइड करता है। इसे मैं अंडर माई आई, अराउंड माई माउथ एरिया, फॉरहेड, ब्रिज ऑफ माई नोज, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर रही हूँ। लोअर लेस लाइन पर अप्लाई करने के लिए एक डीप ब्राउन कलर लिया है और इसे एक पेंसिल ब्रश की मदद से दोनों आई में अच्छी तरह से स्मज कर रही हूँ। फेस को थोड़ा सा शार्प और वार्म लुक देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट का होला मैट ब्रॉन्जर। इट्स सो बटर स्मूथ टू अप्लाई और ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा है और हाईली पिगमेंटेड है। मैं इसे शार्प लुक देने के लिए चीक एरिया, चिन एरिया, फोरहेड एरिया और नोज एरिया पर अच्छी तरह से अप्लाई कर रही हूँ। ब्लशर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी मैट ब्लश और इसका सेट है सॉफ्ट न्यूट। ये आपको नेचुरल मेट फिनिश देता है। इसका फॉर्मूला बहुत लाइट वेट है और ये ब्लश बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग भी करता है। बेस को अच्छी तरह से सेट और लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ निक्स ड्यूई फिनिश सेटिंग स्प्रे। लिप्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिप क्रेयॉन। आई एम इन द शेड 225 कैफे मोका और इसका
कलर बहुत अच्छा है, हाईली पिगमेंटेड है। थोड़ा सा कलर डार्क है मेरे लिए, लेकिन ये डस्की स्किन के लिए परफेक्ट न्यूड कलर है। और ये ट्रेवल फ्रेंडली भी है, बजट फ्रेंडली भी है। इसे मैं बहुत अच्छी तरह से पूरी लिप्स पर अप्लाई कर रही हूँ। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ PAC ब्रांड का आई लैशेस। सो हियर इज़ अ कम्प्लीट लुक। आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। और आप भी इसी तरह से नो फाउंडेशन मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।